मथुरा में मौत का तांडव, कोहराम और कत्लेआम, कोहराम और कत्ल, अतिक्रमण हटाने के दौरान गोलीबारी। मथुरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर ऐसा कोहराम और कत्ल का खेल खेला गया कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक सख्ते में है। पुलिस और उद्यान विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों की पुलिस से हिंसक भिड़ंत हुई। अतिक्रमण हटाने के दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें थानेदार संतोष यादव और SP मुकुल द्विवेदी की मौत हो गई, जबकि 40 से 50 पुलिस वाले जख्मी हो गए। 19 दंगाइयों की भी मौत की खबर है। ADG के मुताबिक 12 लोगों की मौत हुई है। कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए, हमारे CO साहिबान जख्मी हुए, मैजिस्ट्रेट जख्मी हुए, और अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाली करा लिया गया है। अभी तक जो है हमारे पास लगभग 12 बॉडीज हमारे पास हैं, अभी सर्च जारी है। फिलहाल इस जगह को पुलिस ने खाली करवा लिया है, लेकिन भारी मात्रा में असला और हथियार ने पुलिस और प्रशासन व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से फोन पर बात की और शहीद हुए पुलिस अधिकारियों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। राजनाथ सिंह ने अखिलेश को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। DM भी मौके पर पहुंचकर जांच में लगे हैं। स्क्वाड तो खाली करा लिया गया है, बट क्योंकि अंदर जब हम लोग थे तो वहाँ पे काफ़ी ब्लास्ट वगैरह हुए हैं, तो IDs होने की पूरी संभावना है, तो एंटी माइन टीम हमारी आ रही है, वो पूरा चेक करेगी, उसके बाद ही इसमें आगे सर्च ऑपरेशन जारी हो चलेगा। माओवादी ने जवाहर बाग के अंदर भारी मात्रा में हथगोले, असलहे, तमंचे, बंदूक और विस्फोटक भी इकट्ठा किया था। कार्रवाई के दौरान माओवादियों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया, लेकिन मथुरा का खुफिया विभाग और LIU की रिपोर्ट पूरी तरह फेल हुई, जिसके कारण पुलिस के दो अधिकारियों को जान गंवानी पड़ी। जवाहर बाग इलाके में हिंसा तब शुरू हुई जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में पुलिस कर्मी जवाहर बाग में अतिक्रमणकारियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। समझा जाता है कि पथराव आजाद भारत विधिक वैचारिक क्रांति सत्याग्रही संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया, जिन्होंने अतिक्रमण किया था। इस झड़प में दंगाइयों ने पुलिस पर राइफल, हथगोला आदि से हमला किया, जिससे पता चलता है कि दंगाई पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का सरगना रामवृक्ष यादव नाम का एक शख्स है, जो गाजीपुर का रहने वाला है। ऐसे में पुलिस सघन छापेमारी कर रही है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इस तरह के दंगाइयों के ऐसे कोहराम वाले हरकतों के पीछे हुई मौत के जिम्मेदार कौन है? जिन पुलिस वालों की मौत हुई है उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी? ये सब सवाल अब मथुरा के लिए एक बड़ा सवाल है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।